हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं एंड आई रियली होप यू मस्ट हैव एंजॉयड योर फेस्टिव सीजन वेल। एंड अब टाइम आ चुका है वेडिंग सीजन का एंड आई एम श्योर हर किसी के पास एक इनविटेशन कार्ड तो ज़रूर आया होगा। सो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आई एम गोइंग टू शेयर 6 स्ट्रेट फिट कुर्ता सेट्स अंडर बजट जो कि आप इस वेडिंग सीजन एज अ वेडिंग गेस्ट स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू just jump into the video. All right, starting with the first kurta set. ये straight fit kurta set है in navy blue color and I really love the richness of navy blue color. And इस season, ये जो winter वाला जो season है, ये season में ना आप जितने ज़्यादा dark colors पहनो उतना ज़्यादा चलता है because vibrant colors काफ़ी जचते हैं इस season में. All right, so navy blue color का ये straight fit kurta है जिसमें properly इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड मोटिफ वर्क किया हुआ है। 3/4 लेंथ की स्लीव है। स्लीव पे आपको इस तरह से ये कट दिखेगा। दिस इज काइंड ऑफ अ रफल डिटेलिंग आई वुड से। नाउ ये जो कुर्ता है इसके साथ आता है स्ट्रेट फिट प्लाजो, सेम इसी कलर का एंड देर इज नो एक्स्ट्रा ड्रामा इन द प्लाजो। सो इस प्लाजो के राइट साइड में पॉकेट दिया हुआ है। एल्स एवरीथिंग इज देयर इन द कुर्ता सेट। फ्रंट सेक्शन में नीचे तक आपको प्रॉपर इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग दिखेगी एंड इसके साथ जो दुपट्टा आता है वो कुछ इस तरह से है। आई लव द दुपट्टा। ये प्रॉपर सेम इसी कलर पैटर्न में है। देर इज़ नो मिक्स एंड मैच विद द दुपट्टा, बट लुक हाउ गॉर्जियस इट लुक्स लाइक। एंड इसका प्राइस जब आप सुनोगे ना, कहोगे कि इस प्राइस पे आपको इतना खूबसूरत आउटफिट दिख रहा है विच इज़ लाइक अनबिलीवेबल। 1049 रुपीज़ इसका प्राइस मुझे करेंटली दिख रहा है अमेजोन पे। एंड ये मैंने स्मॉल साइज में पहना है, आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक मिल जाएगा। नाउ लेट्स क्विकली जंप इन टू द स्टाइलिंग सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने ना मिनिमल इयरिंग रखी है कुछ इस तरह से। सो पिंक स्टोन वाला जो ये आप देख रहे हो इयरिंग, ये मैंने लाजपत नगर से लिया था। ये एक सेट का इयरिंग है, उसको मैंने लिया है। एंड यहाँ पे पर्ल बैंगल्स टैग किए हैं because we have white color in our outfit and this will like really go well with it. Now let's talk about the footwear. So footwear ke liye I'm going ahead with this white pearl जुत्ती एंड वाइट पोटली बैग लिया है मैंने, जिसमें वी हैव शेल वर्क एंड दिस बीड वर्क पर्ल वर्क्स काफ़ी कुछ हैं इसमें एंड दिस इज़ गोइंग टू लुक ग्रेट। बेसिकली वाइट को लेके मैंने काफ़ी सारी स्टाइलिंग की है। सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। Alright, so moving on to a pastel color combination. ये light baby pink तो नहीं कहूँगी, I would say peach color में embroidered work का कुर्ता सेट है, straight fit कुर्ता सेट है and it's a gorgeous piece I would say. Now ये जो कुर्ता है ना, इस ये सिंगल कलर में ही मुझे अभी दिख रहा था। Now इसकी खासियत ये है that we have वर्क throughout this outfit and कुछ इस तरह से ये work है। अंदर जो है एक्स्ट्रा लाइनिंग दी हुई है, सिल्क ब्लेंड मटेरियल का ऊपर ये कपड़ा है एंड अंदर इसके एक्स्ट्रा लाइनिंग दी हुई है, अनलाइक द फर्स्ट वन उसमें कोई लाइनिंग नहीं थी। 3/4 लेंथ का ये स्लीव है। स्लीव के एंड पे इस तरह से अगेन थ्रेड वर्क किया हुआ है। सटल सोबर जिनको आउटफिट पसंद है ना, उनके लिए ये है। यहाँ पे एक हल्का सा बटन दिया हुआ है जिसको आप इस तरह से खोल के लगा सकते हो। नाउ यहाँ पे इसके साथ आता है पैंट। अगेन ये सेम सॉलिड कलर का ही है और मटेरियल सेम है, सिल्क ब्लेंड मटेरियल। राइट साइड पे इसके पॉकेट दिया हुआ है एंड इट्स अ गॉर्जियस फिट। ये वाला मैंने मीडियम साइज़ में लिया है, पहला वाला जो मैंने आपको बताया वो स्मॉल साइज़ में था। तो पीछे इसमें कुछ भी कोई भी वर्क नहीं है, जो भी काम है ना इसका आगे है। एंड देन वी हैव द दुपट्टा जो कि कुछ ऑर्गेन्जा मटेरियल में है इस तरह से। एंड ये खूबसूरती के साथ इस तरह से आपको दिखेगा ये वर्क। ओवरऑल इट्स अ सटल कलर कॉम्बिनेशन दैट गोज रियली रियली वेल। बहुत ही प्यारा आउटफिट है ये। सो आप जैसे मर्जी चाहो इस दुपट्टे को ले सकते हो। मैं तो सिंपली इस तरह से वन शोल्डर पे कैरी करती हूँ। इफ यू वांट टू गो अहेड और इस तरह से लेना चाहो, जैसे मर्जी वैसे स्टाइल कर सकते हो यार, अपना फ्रीडम है। खैर अब हम आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो ये 1599 रुपीज़ का करेंटली मुझे दिख रहा है अमेजोन पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर। थोड़ा सा मैंने यहाँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की हेल्प ली है बिकॉज बहुत ज़्यादा गोल्ड गोल्ड हो गया था, तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी स्टाइल करके दिखाते हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज
ईयरिंग जो कि मैंने अहमदाबाद से लिया था जब मैं इस साल के यू नो फर्स्ट हाफ में वहाँ गई थी, तो लोकल मार्केट से ही लिया था। ये काफ़ी सटल सा कलर कॉम्बिनेशन है स्टोन का, एंड देन वी हैव पर्ल की डिटेलिंग मैचिंग विद दैट टू आर आउटफिट। नाउ चप्पल जो है भैया हम लेंगे सिंपल, और आई एम गोइंग विथ द राइनस्टोन स्ट्रैपी फ्लैट चप्पल। एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एम टेकिंग दिस पर्ल पोटली, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। सीमा जो है हमारी बगल वाली वो काफ़ी रेडी होके आई थी, तो लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। हमने कहा कि भैया हम थोड़ी कम है किसी से, आज हमने वही सोच के स्टाइलिंग की है। देखो एकदम चमचमाता हुआ प्यारा सा ये स्ट्रेट फिट मेहंदी कलर में कुर्ता सेट है, जो कि प्रॉपरली गोल्ड फॉयल वर्क है, एंड इट लुक्स गॉर्जियस, लाइक लग्जूरियस गॉर्जियस एंड परफेक्ट फॉर दिस वेडिंग सीजन। नाउ ये पूरा का पूरा जो आउटफिट है ना सिल्क मटेरियल में है, एंड प्रॉपरली नीचे तक इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल लाइनिंग दी हुई है इस कपड़े को सपोर्ट करने के लिए। इसका जो स्लीव है 3/4 लेंथ का स्लीव है, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा पैच वर्क किया है सेम डिज़ाइन में, सेम वर्क है। इसके साथ जो बॉटम आता है ना मेहंदी कलर का ही, ये प्रॉपरली सॉलिड कलर में स्ट्रेट फिट प्लाजो है जिसके राइट साइड में पॉकेट दिया हुआ है। नाउ वी हैव द दुपट्टा। सो ये है इसका दुपट्टा। सो बेसिकली ये इस तरह से है इसका खूबसूरत सा दुपट्टा, कुछ इस तरह से ये लंबा सा ये दुपट्टा है विथ अगेन गोल्ड फॉयल वर्क, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही खूबसूरत और रिच कलर है ये, और मेरी तरह आप ना बने इसको थोड़ा सा प्रेस कर ले, अदरवाइज लोग सीमा को ही देखते रहेंगे और फिर से आपका पोपट बन जाएगा। खैर इसको इग्नोर करते हैं, हम आउटफिट पे आते हैं। नाउ ये जो करेंटली इस आउटफिट का प्राइस है ये 1699 रुपीज़ है। मैंने स्मॉल साइज़ में पहना है, आप चाहें तो मीडियम साइज़ में पहन ले, लार्ज साइज़ में पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। आई एम समवन हु लव्स फिटेड आउटफिट, फिटिंग मुझे ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ लूज लूज, तो इसलिए मैं स्मॉल साइज़ पहन रही हूँ नाउ। सो इस कलर के साथ ये जुत्ती बड़ी ही अच्छी लग रही थी। सो वेलवेट फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ये वर्क किया हुआ है इसमें। इस जूती को मैं स्टाइल करूँगी टू गिव दैट एलिगेंस, एंड यहाँ पे इयररिंग में मैं गोल्ड को ही पकड़ के गोल्ड चांद वाली स्टाइल कर रही हूँ, एंड हैंडबैग के लिए आई एम टेकिंग दिस गोल्ड क्लच, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। ऑल राइट गर्ल्स, सो ये है प्यारा सा पेस्टल कलर में खूबसूरत सा स्ट्रेट फिट कुर्ता सा। मैं क्यों इतनी खुश हो रही हूँ पता है, क्योंकि मैं इसको 2-3 वीडियो पहले आपको दिखाने चाहती थी, लेकिन ये हर बार मुझे आउट ऑफ स्टॉक दिखता था। ये कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, पेस्टल शेड की अगर मैं बात करूँ तो इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कलर, एंड इट्स अ गॉर्जियस पीस। नाउ ये जो है ना आपको मैं एक एक करके डिटेल बता रही हूँ, ये पिस्टैचू कलर का है। देन वी हैव दिस वेरी सटल वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसमें, सिल्क मटेरियल का ही है ये भी, एंड देन वी हैव दिस एक्स्ट्रा लाइनिंग टू सपोर्ट दिस वन। 3/4 लेंथ की स्लीव है, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क वगैरह नहीं है। गॉर्जियस सिंपल पीस बट वेरी लग्जूरियस। नाउ इसका जो बॉटम है इट्स अ सॉलिड पिस्टैचियो कलर विथ वन पॉकेट ऑन द राइट साइड। देन वी हैव दिस प्यारा सा दुपट्टा, ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है शायद ये ना ऐसे अगर आपको दिखाती हूँ मैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है लाइट में ना, जब लाइट पड़ रही है तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो सटल एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है ना इस पर लाइट पड़ने से वो और खूबसूरती से निखर के आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। सो ये 1139 रुपीज़ का करेंटली दिख रहा है मुझे, डबल एक्सल तक ये अवेलेबल है। मैंने ये मीडियम साइज़ में मिल गया मुझे, तो मैंने मीडियम साइज़ में पहन लिया। मैंने कहा लाओ कोई भी साइज़ चलेगा, इस बार तो डबल एक्सल भी हम पहन लेंगे, हम बोलेंगे हाँ भैया ये हमारा साइज़ है बस हमें दे दो। खैर अब हम आते हैं इसके स्टाइलिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये इयररिंग ले रखी है जिसमें मैंने सटल, ये भी मैंने अभी रिसेंटली ऐड ऑन किया, तो इसमें अगर आप देखो तो ये सटल स्टोन वर्क है जो कि इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम गोइंग अहेड विद दिस पोर्टली जिसमें अगेन वी हैव लॉट ऑफ पर्ल वर्क, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना वी हैव दीज बीड वर्क्स
इसमें काफ़ी सटल यू नो स्टोन वर्क है, तो इसको मैं स्टाइल कर रही हूँ. एंड फॉर फुटवेयर आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रैपी हील एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. ओके, सो तीन हम लोगों ने स्ट्रेट फिट कुर्ता देखा. एक मैंने सोचा कि इसी वीडियो में ना एक एड ऑन करना चाहूँगी मैं, एक डिफरेंट टाइप का कुर्ता सेट. सो ये जो है ना हाई स्लिट कुर्ता सेट है, ए लाइन है एंड फ्रंट में यहाँ पे स्लिट दिया हुआ है. ऐसे तो अगर आप देखो तो यहाँ बटन की डिटेलिंग है, ये डिटैचेबल नहीं है एंड ये जो है ना मैड्रिड कॉलर है. काफ़ी खूबसूरत सा ये कुर्ता सेट है. ये वाला जो पोर्शन है ना, बिकॉज ऑफ द कॉलर ये काफ़ी फॉर्मल लुक देता है. बहुत ही खूबसूरत है ये कलर फॉर वेडिंग पर्पस, वेडिंग सीजन के लिए मैं पर्सनली ये कलर चूज करती हूँ. लेकिन इसमें ना और भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे, सो जस्ट गो विद द फ्लो. जो भी आपका कलर पैलेट है वो आप पहनो. रेड मुझे पर्सनली, मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है, तो मैंने ये कलर लिया है. 3/4 लेंथ की ये स्लीव है. यहाँ पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग है. नेक का मैंने बता दिया. यहाँ पे देखो इस तरह से ये अगेन सेम वही वर्क है, जस्ट दैट ये बटन की डिटेलिंग दी हुई है आगे की तरफ. फ्रंट में यहाँ पे वी हैव स्लिट एंड देन नीचे जो स्लिट है वो भी इस तरह से ये वर्क किया हुआ है. लीवा फैब्रिक है ये बेसिकली. और कुर्ता पे तो कोई भी आपको पॉकेट की डिटेलिंग नहीं दिखेगी. पैंट में भी कोई पॉकेट की डिटेलिंग नहीं है. मटेरियल सेम है और पैंट भी इसी तरह से यहाँ पे हेमलाइन पे ये वर्क किया हुआ है. सॉलिड कलर है रेड एंड कोई भी और एक्स्ट्रा वर्क नहीं है. इसके साथ आता है ये नेट का दुपट्टा. पतला सा ये दुपट्टा है जिसमें ये हल्का सा लेस डिटेलिंग दिया हुआ है. नेट का ये दुपट्टा है तो कुछ इस तरह से लग रहा है. ओवरऑल आई वुड से कि हमारा जो कुर्ता है ना उसी में सारा चार्म है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैंने ये स्मॉल साइज में लिया है. आपको वेबसाइट पे डबल एक्सल तक मिलेगा, डिफरेंट कलर्स में मिलेगा. प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना तो ये 1100 रुपए का मुझे करंटली दिख रहा है एंड आई लिटरली लव हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हेयर. तो मैंने ना ग्रीन कलर को लेके स्टाइल किया है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर चूज किया बिकॉज रेड के साथ ग्रीन काफ़ी अच्छा लगता है. सो यहाँ पे ये ड्रॉप इयरिंग मैंने ली है ग्रीन कलर में एंड फॉर फुटवेयर आई टुक दिस जूते, जहाँ पे ये जो है ना वेलवेट कलर में हमारा बेस फैब्रिक है एंड उसके ऊपर इस तरह से पर्ल एंड गोल्डन वर्क किया हुआ है. ये जरी वर्क है इसके ऊपर. मैंने लाजपत नगर से लिया था एंड यहाँ पे अंदर फोम दिया हुआ है जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर फीट. एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एम गोइंग टू टेक द स्पोर्ट ले एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस. Alright, so last कुर्ता सेट ऑफ द वीडियो, ब्लैक कलर का ये कुर्ता सेट है सिल्क ब्लेंड मटेरियल में विथ दिस टू ड्रॉ स्ट्रिंग. अलग अलग टैसल वर्क है इसमें. वी हैव रेगुलर नेक लाइन एंड यहाँ पे ओवरऑल इस तरह से ये वर्क किया हुआ है. वर्क ना यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखाती हूँ. ये वाला जो सेक्शन है यहाँ, ये वाले सेक्शन में आपको ये कलरफुल से बीड वर्क, ये पूरी सिलाई की हुई है. ओवरऑल कुर्ता सेट पे फॉयल वर्क है एंड देन वी हैव एक्स्ट्रा लाइनिंग टू सपोर्ट. 3/4 लेंथ की स्लीव है एंड देन स्लीव भी हल्का सा यहाँ पे ये वर्क किया हुआ है सेम. नाउ इसका जो पैंट है सॉलिड कलर है. नीचे जस्ट जो यहाँ पे हेमलाइन पे वर्क है ना, सेम वही बॉटम में वर्क किया हुआ है. पॉकेट नहीं है इसके पैंट में. और इसका जो दुपट्टा है, इट्स अ लॉन्ग दुपट्टा जिसमें अगेन इस तरह ये प्रॉपर वर्क किया हुआ है कुछ इस तरह से. इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग दुपट्टा. स्मॉल साइज में मैंने पहना है. आपको डबल एक्सल तक मिल जाएगा. 1399 रुपीज़ का करेंटली मुझे ये दिख रहा है. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टाइलिंग. ब्लैक कलर है तो वी कैन नेवर गो रॉन्ग विथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ले रही हूँ. हावेवर बिकॉज हमारे आउटफिट में गोल्ड वर्क भी है, तो यू कैन सर्टनली स्टाइल गोल्डन यू नो इयररिंग्स एंड एक्सेसरीज. फिलहाल के लिए फॉर दिस आउटफिट मैं पर्सनली स्टाइल कर रही हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. सो ये बड़ा वाला झुमका लिया है जिसमें वी हैव टू कलर स्टोन एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक द ज्वेलरी वाले हील एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एम टेकिंग दिस बॉक्स क्लच एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्टी वेयर कुर्ता सेट. आई रियली रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी सारे कुर्ता सेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आप लोगों ने मुझे स्पेसिफिकली वेलवेट के ऊपर भी कहा है, तो वो भी इन लाइन है. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.